एसकेपी विद्या विहार विद्यालय में हुआ खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को किया गया पुरस्कृत। भागलपुर एसकेपी विद्या विहार मंदरोजा भागलपुर में वर्ग नर्सरी से एकादश तक के विद्यार्थियों को कार्यकारी निदेशक रणविजय सिंह के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक निदेशक शोमा सिंह, शैक्षिक निदेशक विनीता सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशांत विक्रम, अभिषेक सिंह, विद्यालय सचिव मणिकांत विक्रम, प्राचार्य सीडी सिंह और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर नर्सरी और केजी के बच्चों ने क्रिसमस कैरोल नृत्य की प्रस्तुति की, जो समारोह का मुख्य आकर्षण रहा। इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक रणविजय प्रसाद सिंह ने कहा कि वार्षिक खेलकूद पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर क्रिसमस तथा नव वर्ष की मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं देता हूं। विद्यार्थी खेल कूद के साथ पढ़ाई करें, ये नई शिक्षा व्यवस्था में अनिवार्य बना दिया गया है। अतः बच्चे खेल कूद और पढ़ाई के लिए मेहनत करते हुए आगे बढ़ें, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रशांत विक्रम ने कहा कि 4 दिनों तक चले खेलकूद का आज समापन हुआ। बच्चों को खेलकूद में उत्साहपूर्वक भाग लेते देखकर बहुत आनंद महसूस हुआ। आज खेलकूद के विजेताओं को पुरस्कार देते हुए भी अत्यंत आनंद महसूस हो रहा है। खेलकूद प्रतियोगिता का समापन और स्कूल के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को प्राइज। आज 4 दिन से खेलकूद ग्राउंड में चल रहा था, उसी का आज समापन पर आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह का प्रोग्राम रखा गया है और बच्चों को प्राइज देंगे। और क्या है आगे का? सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके बाद ही स्कूल। आज हमारा भागलपुर में सबसे पुराना है, 27 साल से स्कूल चल रहा है और बेस्ट CBSE का स्कूल है। CBSE के द्वारा अवार्ड भी मिला गया है और यह नवयुग स्कूल के बाद यह दूसरा पुराना स्कूल है जो कि एप्लीकेशन मिला था CBSE के द्वारा। छात्र छात्राओं को पढ़ाई की अत्यधिक सुविधा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे स्कूल में। सभी स्कूल हमारे 1996 से आज तक जो है समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सभी मुस्तैद होकर के और जो समय के क्रमानुसार जो भी स्कूल से टीचर रिटायर करते हैं, बढ़िया बढ़िया शिक्षक को लेकर के विद्यार्थियों का शिक्षा देते हैं और अनुशासित ढंग से देते हैं। काफ़ी पढ़ करके अच्छे अच्छे पद पर हमारे विद्यार्थी बाहर में नौकरी करते हैं, काम करते हैं। इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, DSP है, SP है, हर एक तरह का, ऐसा नहीं है, सब कुछ है और पढ़ाई अच्छी व्यवस्था। अनुशासन का उज्जीवन सक्सेस नहीं हो सकता है, और अनुशासित ढंग से अपने जीवन को समर्पित भाव से मेहनत से बच्चे आगे बढ़े और पेरेंट्स का बात माने और शिक्षकों का बात माने, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। हम सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं। समारोह का समापन समारोह है, आज यहाँ पे मुख्य रूप से मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज पारितोषिक वितरण भी है। तो समय समय पर जो SKP विद्या विहार है, चाहे खेलकूद हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे पढ़ाई का भी कोई मंच हो, तो SKP विद्या विहार हर समय हर क्षेत्र में विद्यार्थी को उस प्लेटफॉर्म पे आगे लेके जाता है। और साथ ही साथ ये खेलकूद हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हम इससे एक हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, तीनों चीज़ हमारे अंदर जब आएगा तभी हम अच्छा पढ़ाई कर सकेंगे और अच्छा खेलकूद कर सकेंगे। और अच्छे वातावरण में पढ़ाई और खेल का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए ये खेलकूद ये सर्वांगीण विकास बच्चों के लिए बेहतर से बेहतर और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए कुछ करना चाहेंगे? बहुत टेंशन होता है उनको। बच्चों के लिए बस एक ही बात करना चाहेंगे, अभी क्रिसमस का समय है, बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हैं। नए साल आने वाले जो अभी हमारे 2024 है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही हमारा इस बार नए साल में राम मंदिर भी हमारा जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम सबको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा राम मंदिर भी इस बार हमारा जो है जनवरी में हम लोग वो साक्षात्कार हम लोग देखेंगे, पूजा करेंगे हम लोग, और जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे हम लोग।